नाउ विल स्टार्ट विद द क्वालिटेटिव एस्टिमेशन कि कोई कंपाउंड में क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उनकी प्रेजेंस चेक करना, उसको दैट कम्स अंडर क्वालिटेटिव एस्टिमेशन. ठीक है, वैसे आपके एनसीईआरटी में पहले क्वालिटेटिव मेंशन था फिर क्वांटिटेटिव था, बट बिकॉज वी नो कि क्वालिटेटिव से क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं तो हमने पहले डिस्कस कर लिया. ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वालिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ कंपाउंड्स, ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड्स. तो हम वही करेंगे कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन हम फिर साथ करेंगे, इस बार नाइट्रोजन हैलोजन एंड सल्फर इनको एक साथ करेंगे एंड देन फॉस्फरस को करेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ कार्बन एंड हाइड्रोजन. कार्बन एंड हाइड्रोजन इसमें क्या किया है, हमने कोई भी हमारा कंपाउंड लिया, उसमें उसको हमने रिएक्ट कराया COO से, क्यूप्रिक ऑक्साइड से, तो क्या बन गया हमारा Cu प्लस CO2. सिमिलरली हमने अपना कंपाउंड लिया जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसको हमने CO क्यूप्रिक ऑक्साइड से रिएक्ट कराया, तो क्या हुआ, क्यूप्रिक ऑक्साइड रिड्यूस हो गया और हमारा H2O मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया. ठीक है, तो जिस कंपाउंड में हमारा कार्बन प्रेजेंट है हमने देख लिया कि ऑक्सीडाइज होकर CO2 में बन गया, तो हमें पता है कि CO2 की प्रेजेंस हम सिंपली टेस्ट कर ही सकते हैं, किससे, लाइम वाटर टेस्ट से. लाइम वाटर टेस्ट क्या करते हैं, इसमें CO2 को लाइम वाटर से अगर रिएक्ट करा देते हैं तो बन जाता है हमारा लाइमस्टोन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट. ये क्या होता है, वाइट टर्बिडिटी दे देता है, तो इससे हमें CO2 की प्रेजेंस पता चल जाती है, मतलब हमें कार्बन की प्रेजेंस पता चल जाती है. तो बेसिकली हमने क्या किया है कि क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीडाइज करके CO2 बना दिया और CO2 का टेस्ट हम जानते हैं. सिमिलरली इसे हम ये करेंगे, हमें यहाँ पे पानी की प्रेजेंस देखनी है, यहाँ पे हमने CO2 की देखी, यहाँ पे पानी की देखी, तो पानी के लिए हम क्या करेंगे कि हम कॉपर सल्फेट लेंगे एनहाइड्रस और उसमें जैसे ही हम पानी मिलाएंगे ये यहाँ पे वाइट होता है तो क्या बन जाएगा CuSO4.5H2O. ये हाइड्रेटेड हो जाता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में इसका कलर ब्लू होता है. बस तो हमें क्या कर रहे हैं बेसिकली क्वालिटेटिव एनालिसिस में कि हमें कुछ दिखना चाहिए, हमें हमारे पास कोई चेंज दिखना चाहिए, जिससे इंडिकेटरी चेंज दिखना चाहिए जिससे हमें उसकी प्रेजेंस का पता चल जाए. तो कार्बन में के लिए हमने क्या किया, हमने देख लिया CO2 इवॉल्व हो जाएगी तो हम CO2 का टेस्ट कर देंगे. अच्छा CO2 इवॉल्व होती है तो हमारा क्या रिएक्शन हो सकता है, ऐसा कौन सा रिएजेंट हम अप्लाई करें कि वो CO2 की प्रेजेंस बता सके. CO2 की प्रेजेंस कौन बना सकता है, क्या ये लाइम वाटर CO2H2 से रिएक्ट करते ही वो लाइमस्टोन बन जाता है. सिमिलरली हमें अगर पानी की प्रेजेंस बतानी है कि इसकी रिएक्शन के बाद पानी प्रोड्यूस हुआ है तो पानी हम किससे बता देते हैं, कॉपर सल्फेट से. कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस फॉर्म में जब होता है उसमें पानी हम डाल देते हैं तो दैट टर्न्स ब्लू इन कलर विच इंडिकेट्स कि पानी प्रेजेंट है कंपाउंड में, विच इंडिकेट्स कि हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड. ठीक है, तो हमने देख लिया कि कार्बन और हाइड्रोजन को क्वालिटेटिवली हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, हम कैसे कार्बन और हाइड्रोजन की प्रेजेंस बता सकते हैं. ठीक है, नाउ विल मूव टू नाइट्रोजन हैलोजन एंड सल्फर. इनके लिए हम कुछ एक एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं उसके बाद उनके अलग अलग रिएक्शंस कराते हैं. तो उनके कुछ अलग रिएजेंट्स होते हैं और अलग इंडिकेशंस आती हैं तब हमें क्लियर हो जाती हैं चीज़ें. जैसे विल जस्ट डिस्कस, हमने लिया कार्बन कंपाउंड लिया हमारा कार्बन का, तो क्या बना हमारा बेसिकली सोडियम है जो हम सब में ले रहे हैं. सोडियम को हम पहले ही लिखते हैं, टेस्ट का नाम है लिजानिस टेस्ट या फिर सोडियम फ्यूजन टेस्ट. इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसको एक एनायनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके इसका सोडियम के साथ फ्यूजन बना रहे हैं.
जैसे सोडियम लिया हमने, हमारा कंपाउंड हो गया और नाइट्रोजन हो गया, तो क्या हुआ, ये बन गया NaCN। सिमिलरली सोडियम लिया, उसमें हमने सल्फ़र वाला मिला दिया, सल्फ़र की प्रेजेंस चेक कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, Na2S। सिमिलरली हमने सोडियम लिया और उसे किसी हैलोजन से रिएक्ट कराया, तो हमारा बन गया NaX। तो बेसिकली ये जब हमने स्ट्रॉन्गली हीट करके इन्हें बनाया है, ये जो हमारे कंपाउंड बने हैं NaCN, Na2S, NaX, इनको हम बोल देते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। मतलब क्या हुआ है कि ये सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, इन्होंने उनके साथ फ्यूज़ कर लिया है और फाइनली एक आयनिक स्पीशीज में आ गए। ये एग्जिस्ट कर लेगा एज X-, ये एग्जिस्ट कर लेगा S2-, और ये एग्जिस्ट कर लेगा CN-। हमने इसमें कार्बन भी लिया है नाइट्रोजन की प्रेजेंस के लिए, हमने इसे एज अ साइनाइड का हम टेस्ट करेंगे, व्हेन वी हैव टू टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। ठीक है, तो फिर क्या करता है, ये एक सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फिर हम इसके अलग अलग जाके आगे रिएक्शंस कराते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर रिएजेंट कोई एक रिएक्शन दे रहा है, उसका कोई इंडिकेटरी कलर है, कोई इंडिकेटरी स्मेल है, कोई इंडिकेटरी PPT है, तो वो हम आगे स्टडी करेंगे। तो बेसिकली सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट करता यही है कि सोडियम के साथ एक एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं, ये सारे हमारा हैलोजन, सल्फर और नाइट्रोजन। तो अभी तक वी हैव गॉट द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट्स। किसके मिले हैं हमें, साइनाइड NaCN, Na2S सल्फाइड का और NaX हैलोजन का। ठीक है, अब हम इनको फर्दर टेस्ट करेंगे, इनके अलग अलग टेस्ट करेंगे सो दैट हम इनकी प्रेजेंस चेक कर सकें। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन के लिए किस फॉर्म में है, साइनाइड फॉर्म में। ठीक है, इसको साइनाइड को हमने Fe2+ से रिएक्ट कराया, मतलब फेरस आयन से रिएक्ट कराया, तो क्या बनेगा हमारा, ये फेरस आयन जो है दे एग्जिस्ट इन फेरस सल्फेट फॉर्म, Fe4के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, Fe4-, तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये आ जाएगा। फिर क्या है, हमने पहले तो डाला सिर्फ फेरस सल्फेट, फिर हमने इसे एसिडिफाई करा दिया H2SO4 से, तो क्या किया हमने, Fe2+ को एसिडिफाई करा के Fe3+ में कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब क्योंकि ये चीज़ बन गई थी Fe2+ से, तो हमारा ये फॉर्म बन गया। फिर हमने क्योंकि इसे Fe3+ से रिएक्ट कराया, तो हमारा बन जाता है Fe4-FeCN6-XH2O, जो हमारा ये कंपाउंड बनता है, दिस इज प्रूशियन ब्लू इन कलर। इससे क्या हो जाता है, हमारी जो नाइट्रोजन की प्रेजेंस है वो डिटेक्ट हो जाती है। बेसिकली हमने क्या किया पूरे प्रोसेस में, हमने पहले लिया, हमने हमारा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लिया विच इज़ साइनाइड, साइनाइड के साथ हमने FeSO4 को रिएक्ट कराया, उससे हमारा ये बन गया। फिर क्या किया, हमें इसको Fe3+ के साथ भी रिएक्ट करना है, तो हमने बेसिकली H2SO4 लिया जिसने ऑक्सीडाइज कर दिया Fe2+ को Fe3+ से। ठीक है, Fe3+ ने इसके साथ रिएक्ट किया, जब Fe2+ वाले प्रोडक्ट के साथ जब Fe3+ ने रिएक्ट किया, तो हमारा प्रूशियन ब्लू कलर हमारा ऑब्जर्व हुआ। इसी वजह से हमारा जो नाइट्रोजन है दैट इज़ डिटेक्टेड, राइट। इसका सिंपल सा यही प्रोसेस है, तो बेसिकली इसका इंडिकेटरी जो कलर है दैट इज़ प्रूशियन ब्लू ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड Fe4, फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में FeCN6 एंड देन Hol3+.XH2O। ठीक है, फिर वील सी फॉर सल्फर। सल्फर का एक हमें बहुत जो कॉमन टेस्ट पता है वो लेड के साथ है, हमें पता है ये लेड सल्फर इज ब्लैक PPT, तो या तो हम यही कर सकते हैं कि लेड लिया हमने इन द फॉर्म ऑफ लेड सल्फेट एंड एसिटिक एसिड, तो इसको अगर हमने जब रिएक्ट कराया तो हमारा बन गया PBS विच इज़ ब्लैक इन कलर। एक तो हमारा ये प्रोसेस हो गया कि हमने PB के साथ लेड के साथ रिएक्शन करा दिया। इसके अलावा एक जो हम टेस्ट कर सकते हैं वो है यूजिंग सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो इसमें क्या किया, अगर सल्फर का जो सोडियम एक्सट्रैक्ट है उसने अगर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्ट किया, तो उसका जो फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट बनता है दिस इज़ FeCN5NOS। यहाँ पे क्या है, FeCN5NO और यहाँ पर सल्फर आ जाता है, तो इस वजह से दिस इज़ वॉयलेट इन कलर, तो इससे हमारी सल्फर की प्रेजेंस भी टेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो सल्फर को अगर हमें टेस्ट करना है तो हमारे पास दो प्रोसेस हैं, एक तो या PBS वाला हो गया, एक हो गया सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड।
ठीक है। फिर हमें देखना है हैलोजन्स के लिए। हैलोजन्स के लिए भी हम वही प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं कि हमने हमारा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो है उसका जो एक्स माइनस है उससे हमने सिल्वर Ag प्लस से रिएक्ट करा है। Ag प्लस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? AgNO3 इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो इसको रिएक्ट कराया तो हमारा सिंपली AgX बन गया, ठीक है। अब AgX जो है वो दो फॉर्म में हो सकता है, या तो वो येलो कलर PPT बन रहा हो या फिर वो वाइट कलर PPT बन रहा हो। अगर वो वाइट कलर PPT में हम NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे ऑन एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अगर वो वाइट PPT हमारी सॉल्यूबल बन जाती है दैट इंडिकेट्स क्लोरीन, वो क्लोरीन की प्रेजेंस बताता है। अगर जो हमारा ये AgX बना है दैट इज़ येलो कलर्ड इन नेचर और इसमें अगर हम NH4OH डालते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं एंड दैट PPT बिकम्स स्पेरिंगली सॉल्यूबल, मतलब पार्शियली सॉल्यूबल हो गई, दैट मीन्स हमारा ब्रोमीन है। और अगर जो हमारी AgX की जो वाइट येलो PPT बनी थी, मतलब AgI जो बना था, दैट इज़ इंटायरली नॉट डिजॉल्व, दैट इज़ इन सॉल्यूबल इन NH4OH, तो हमारा हो गया आई, तो हमारा आयोडीन प्रेजेंट हो गया। तो बेसिकली हमने इसमें क्या पता करा है कि हमने एक तो Ag के साथ जो हमारा आई माइनस, जो हमारा एक्स माइनस था उससे हमने Ag प्लस के साथ रिएक्ट करा दिया, तो हमारा कुछ बन सकता है AgCl, AgBr, AgI। तो हमें पता है कि अगर हम AgCl इज़ वाइट इन कलर, ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता है, तो AgCl को अगर हम NH4OH के साथ डालते तो दैट बिकम सॉल्यूबल इन नेचर। सिमिलरली AgBr और AgI ये दोनों होते हैं येलो इन कलर। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने क्या किया, NH4OH डाला। तो अगर NH4OH डालने से वो इंटायरली इनसॉल्यूबल रहता है तो वो हो गया AgI, और अगर वो पार्शियली थोड़ा डिजॉल्व हो जाता है, पार्शियली थोड़ा सॉल्यूबल हो जाता है, देन दैट इज़ AgBr, ठीक है। तो हमने अभी देख लिया कि अगर किसी भी कंपाउंड में इंडिविजुअली नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो हम प्रूशियन ब्लू कलर ऑब्जर्व कर लेते हैं इसके साथ रिएक्ट करा के। सल्फर के हमें दो टेस्ट पता चल गए कि एक लेड के साथ हो गया, एक सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ हो गया, और हैलोजन्स के लिए हमने उसे Ag प्लस से रिएक्ट कराया। फिर जो PPTs आई उनके डिफरेंट कलर्स को कैसे डिफ्रेंशिएट किया, NH4OH के साथ रिएक्ट करा के, ठीक है। अब एक ये केस भी हो सकता है जब आपके बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों प्रेजेंट हो तो क्या होगा, ठीक है। आपने अपना सोडियम लिया, वही सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के लिए क्या कर रहे हो, सोडियम कार्बन नाइट्रोजन सल्फर, तो इससे क्या बन गया आपका NaSCN। NaSCN मतलब सोडियम थायोसाइनेट, सोडियम थायोसाइनेट बन गया। तो अगर हम इसमें वही रिएक्शन कराएं ये फर्स्ट वाली नाइट्रोजन की, तो पहले जो था Fe3+ और SCN, इससे प्रोडक्ट बन जाएगा Fe SCN2+। तो यहाँ पे जो हमारा प्रूशियन ब्लू कलर आ रहा था अब यहाँ पर ये ब्लड रेड कलर आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे SCN आ गया, बेसिकली आपका वो कंपाउंड ही डिफरेंट हो गया, राइट। तो ये भी एक हमारे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो गया कि उसमें अगर नाइट्रोजन के साथ हमारा सल्फर भी प्रेजेंट है तो हमारा ब्लड रेड कलर आता है। और बाकी ये जो आपका सोडियम थायोसाइनेट बना है इसको अगर आप एक्सेस सोडियम में डाल दो, क्या करो, एक्सेस सोडियम में डाल दो, तो आपका NaCN और Na2S ये दोनों अलग हो जाएंगे, सोडियम साइनाइड और सोडियम सल्फाइड अलग हो जाएंगे। तो फिर आप चाहो तो इनके अलग अलग टेस्ट फिर कर सकते हो, नाइट्रोजन का ये अलग टेस्ट दे देगा और सल्फर का ये अलग टेस्ट दे देगा, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड, कार्बन हाइड्रोजन हमने कर लिया था, नाइट्रोजन का कर लिया, हैलोजन्स का कर लिया एंड सल्फर का कर लिया। नाउ विल डिस्कस द फॉस्फोरस, नाउ विल सी द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। तो हमने वही कंपाउंड लिया जिसमें फॉस्फोरस की प्रेजेंस चेक करनी है, उससे हमें ऑक्सीडाइज करना है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने वही सोडियम परऑक्साइड लिया एंड उसे Na3PO4 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, सोडियम फॉस्फेट में हमने उसे कन्वर्ट कर दिया। फिर इस सोडियम फॉस्फेट को हमने HNO3 नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराया, तो हमारा क्या बना, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है H3PO4 और NNO3, ठीक है। फिर हमने H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड जो है हमारा उसको हमने अमोनियम मोलिब्रेट हम पढ़ भी चुके हैं, हम इसके साथ इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 जब हम रिएक्ट कराते हैं तब हमारा बनता है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्रेट एंड दिस गिव्स अ येलो PPT, येलो PPT या येलो कलरेशन आ जाता है आपका,
उससे हमारा कंफर्म हो जाता है कि फॉस्फरस इज़ प्रेजेंट इन द कंपाउंड, बाकी NH4NO3 और पानी इवॉल्व होते हैं। ठीक है, तो फॉस्फरस की प्रेजेंस चेक करने के लिए हमने क्या किया, पहले तो हमने उसे ऑक्सीडाइज करा दिया, उससे हमारा बन गया सोडियम फॉस्फेट। सोडियम फॉस्फेट को फिर हमने HNO3 के साथ रिएक्ट करा के H3PO4 बना दिया। बेसिकली हमें क्या था, फॉस्फरस को हमें किसी तरह से फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट करना था, तो उसके लिए हमने प्रोसेस किया कि पहले तो हमने ऑक्सीडाइज कर दिया, उसके बाद हमने HNO3 से रिएक्ट करा के H3PO4 बना दिया। फिर हमारी मेन रिएक्शन यहाँ पे आ रही है कि H3PO4 को जब हम अमोनियम मोलिब्डेनेट में डालते हैं तो हमारा फाइनली बन जाता है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेनेट, और अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेनेट गिव्स अ येलो PPT व्हिच इज आर इंडिकेटरी कलर, व्हिच इज आर इंडिकेशन फॉर प्रेजेंस ऑफ फॉस्फरस। ठीक है, सो ऑक्सीजन की हम प्रेजेंस का वी डोंट डू अ क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो हमने बेसिकली पढ़ लिया कार्बन एंड हाइड्रोजन के लिए, उसको कॉपर ऑक्साइड से कर दिया था। फिर हमने देखा नाइट्रोजन हैलोजन एंड सल्फर के लिए, इनके लिए हमने सोडियम फ्यूजन टेस्ट यूज़ कर लिया था। और फिर हमने देखा है फॉस्फरस के लिए, इसके लिए हमने अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेनेट की प्रेजेंस चेक करी है। ठीक है, सो विद दिस वी आर डन विद द क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव एनालिसिस ऑफ कंपाउंड्स, एंड विद दिस वी आर कम्प्लीटेड विद द चैप्टर इज़ वेल।